कोरोना वायरस की त्रासदी को लेकर के पूरे दुनिया में जहां हाहाकार मचा हुआ है, वहीं आज भागलपुर में जनता कर्फ्यू का लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। और हम अभी मौजूद हैं भागलपुर के स्टेशन चौक, जिसे अंबेडकर चौक के नाम से भी जाना जाता है, और यहां पर भी पूरी तरह से सड़क के चारों ओर, जिस ओर से भी सड़क आ रही है उस हर ओर पूरा सन्नाटा दिखाई दे रहा है। सारी दुकानें बंद हैं, सारे कार्यालय, हालांकि संडे है तो आमतौर पर छुट्टी होती है, पर इस तरीके से बिल्कुल सन्नाटा कभी भी नहीं देखा जाता है। और हम आप देख सकते हैं कि भागलपुर एमपी द्विवेदी रोड में पूरी तरह से सभी दवा की दुकानें भी बंद रखी गई है। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है व्यवसायियों ने, दवा व्यवसायियों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से दवा दुकानों को भी बंद रखने का फैसला किया है। और इसके साथ ही वैरायटी चौक की ओर से आने वाली रोड में भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, और हर ओर बिल्कुल कोई भी इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं, वो भी जो आसपास के रहने वाले हैं। कहीं से कोई आवागमन विशेष दिखने की कोई मतलब कोई ऐसा दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है। और यार उल्टा पुल हम देख सकते हैं, और उल्टा पुल की ओर भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, और किसी भी तरह का वाहन या आम आदमियों का परिचालन भी यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, और पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि भागलपुर के रेलवे स्टेशन परिसर में भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ, और भारत सरकार और रेल मंत्रालय के निर्देश पर कोरोना की त्रासदी को देखते हुए सभी ट्रेनों का परिचालन 24 घंटे के लिए रद्द किया गया है। आज सुबह से कल सुबह तक सभी ट्रेनें का परिचालन बाधित रहेगा। हालांकि यह भी निर्देश दिया गया कि जो ट्रेनें कल अपने गंतव्य स्थल से खुल चुकी हैं वो अपने गंतव्य स्थल तक आएंगी। और आप देख सकते हैं कि भागलपुर के प्लेटफार्म पर भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, और सुरक्षा के जवान को तैनात किया गया है। सभी 6 प्लेटफार्म पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ट्रेनें जैसे पहिए पे ब्रेक लग चुका है, ट्रेनें बिल्कुल अपने जगह पर थमी हुई दिखाई दे रही है। सुरक्षा के बीच को लेकर हालांकि व्यापक इंतजाम किए गए हैं रेल प्रशासन की ओर से, लेकिन कुल मिलाकर के कोरोना के खौफ को साफ सड़कों पर देखा जा सकता है, और लोग पीएम के द्वारा आग्रह किए गए जनता कर्फ्यू को पूरी तरह से सफल करने में लगे हैं। हालांकि इसके साथ ही व्यवसायियों ने पहले भी यह कल निर्णय कर लिया था कि इसके बाद भी अगले दो दिनों तक वह अपने प्रतिष्ठान को बंद रखेंगे एहतियातन, जिससे कि कोरोना वायरस जो हवा के जरिए जो फैलता है, जो छुआछूत से फैलने की बात जिसकी कही जा रही है, उस पर नियंत्रण हो सके, वो कमज़ोर पड़ सके लगातार बंद होने के कारण। और इधर ततारपुर रोड में भी आप देख सकते हैं कि इधर बिल्कुल नगर जाने वाली रोड इधर भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी होटल, रेस्टोरेंट या दुकान सभी पूरी तरह से बंद दिखाई दे रहे हैं। भारत में कुल 3700 से अधिक ट्रेनों का परिचालन फिलहाल रद्द किया गया है, और 24 घंटे तक यही स्थिति बनी रहेगी। अब हम इसके साथ ही और भी कई जगहों के आपको रेलवे की स्थिति दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ रविशंकर सिन्हा, सिल्क टीवी, भागलपुर।